तो गाइस फिर से एक नया वीडियो के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग में आप सबको बताने वाले हैं कि फसिनो यामा जो फसिनो है उसमें कि इंजन ऑयल किस तरह से चेंज किया जाए। इस ब्लॉग में यही बताने वाले हैं कि आपकी सर्विसिंग मतलब यामा फसिनो की सर्विसिंग किस तरह से की जाती है, ऑयल चेंज किस तरह से की जाती है, इसको दिखाने वाले हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस दिख रहा होगा यहाँ से हमने नट को निकाल लिया है, यहाँ से जला ऑयल निकल रहा है। नट निकालने के बाद ऑटोमेटिक ही निकल जाती है इसमें से जला ऑयल। ये इंजन से निकला हुआ एक निकला हुआ ऑयल है, देख सकते हैं आप, लगभग पूरा निकल ही गया आप देख सकते हैं। अब इसमें कि नट लगा दिया जाए और न्यू ऑयल मोबिल डालते हैं इसमें। ये हमारा मोबिल इसमें लाए हुए हैं देख सकते हैं आप। हमने दो मोबिल लेके आए हैं, एक है इंजन ऑयल और एक ठीक गेयर बॉक्स का है। ये छोटी वाली देख सकते हैं ये गेयर बॉक्स की है और बड़ी वाली इंजन की है। तो गेयर बॉक्स में तो ज़्यादा नहीं लगती है, कभी कभी लगती है, 3-4 बार अगर कराते हैं तब। ये नट देख रहे हैं आप, इसको खोल लेनी है यहाँ से, हमको न्यू ऑयल डालना है। तो उधर की नट लगा ली है हमने और इसमें न्यू ऑयल डालना है हमें। ये न्यू ऑयल का पैकेट देख सकते हैं, इसको डालेंगे अपन। यामाहा की फसिनो है ये हमारी स्कूटी, 113 सीसी की है लेकिन 115 सीसी के नाम से जाना जाता है ये। ये अभी सेकंड टॉप में हो गया, जब हमने ली थी तो टॉप मॉडल में यही थी 2020 में। उसके बाद तो यामाहा फसिनो की 125 सीसी की न्यू मॉडल निकली हुई है। तो गाइस इसको आपको फाड़ लेनी है आपको अच्छे से, उसके बाद चाड़ी लगाए हुए हैं उसमें अच्छे से डाल लेनी है आपको। और मतलब लगभग 2500-3000 चलने के बाद हमेशा आपको चेंज कराना चाहिए ताकि इंजन अच्छी हो। हमारी स्कूटी की सर्विसिंग थोड़ी अच्छी है, अभी इस बार शोरूम में नहीं कराया है क्योंकि आपको वीडियो बना के दिखाना था, इसी वजह से हमने, ये फर्स्ट टाइम है जो बाहर हमने करा रहे हैं। हमारी स्कूटी की लगभग 1.5 साल होने की जा रही है, इसमें पूरा ऑयल डाल देना है आप सबको। और ये देख सकते हैं गेयर बॉक्स की ऑयल डालने के लिए यहाँ से खोल रहे हैं, इसमें ज़्यादा लगती नहीं है कुछ मात्रा में, इसको 3 बार शायद थोड़ा थोड़ा करके यूज हो जाता है, इसमें थोड़ा डालना है बस। ज़्यादा डाल दोगे तो इंजन ऑयल इंजन का अंदर में इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको ज़्यादा डालना नहीं है आपको, 3 बार हो सकता है इसमें आपका सर्विसिंग। इधर लगभग पूरी मोबिल डालने को है देख सकते हैं आप। तो गाइस आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यू वीडियोस आए तो आपको अपडेट पहुंचे कि न्यू वीडियो आया है करके। ये मोबिल भी डल गया है आप देख सकते हैं, अब इसके ढक्कन लगा देते हैं और इंजन ऑयल को दिखाते हैं आपको। इस तरह से डलता है इंजन ऑयल, सॉरी इंजन ऑयल और एक गेयर बॉक्स का ऑयल डल रहा है देख सकते हैं आप।
इसको भी उसी तरह से फाड़ लेनी है आपको। कुछ ये मात्रा में डालना रहता है, ये इंजन गियर बॉक्स की है, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती इसमें, बट थोड़ी थोड़ी करके डाल ही दें तो अच्छी है। इसको टाइट कर देते हैं हम। सो गाइस, इसको हमने घर में ट्राई किया था, आप शुरू में वीडियो देखे होंगे, तो मेरे से नीचे का जो नट होता है जिसमें से मोबिल जला ऑयल निकल रहा था, शुरू में देखे होंगे आपने, तो वो नट मेरे से नहीं खुल पाया, तो इसी वजह से मैंने छोटा सा रिपेयर सेंटर है वहाँ लेके गया था। सो गाइस, हमने थोड़ा नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अगले बार कुछ हो तो देखते हैं आगे। तो अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, संगवारी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।